So hey guys, welcome on this channel, Tarang Academy for Crack NEET in Easy Way. So NEET, सबका सपना है, NEET 2020 को हमें कैसे क्रैक करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लाइव वीडियोस आप सब ने देखे होंगे एंड उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, उन सब ने बहुत सारे आपको टिप्स दिए होंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है. और एक लास्ट टिप मैं भी देना चाहती हूँ कि कैसे आप पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको करना है, ठीक है. मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था. मैंने पूछा था दैट गाइस आई वांट टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, व्हाट इज़ बेटर या विच वन इज़ बेटर, दैट लाइव डिस्कशन, अपलोड अ वीडियो एंड अ कम्युनिटी टैब. तो मोस्टली सब ने बोला कि लाइव डिस्कशन करना है. उसके बाद अपलोड अ वीडियो भी सेम सही था दोनों का रेशियो. तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं जिससे कि आप सबको ये आइडिया लग जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, हम करेंगे कल एक लाइव वीडियो, ठीक है. लाइव पूरा सेशन चलेगा, वहाँ पर मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ और क्या टाइमिंग रहेगी वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, मोस्ट ऑफ द आप सब आओ और ज्वाइन करो इस लाइव सेशन, क्योंकि बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है कि मैं हम डिस्कस क्या करेंगे. क्योंकि लाइव में क्या होता है, आपका जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं, आप जो भी बोलना चाहोगे वो आप तुरंत बोल सकते हो, तो ये फ़ायदा बहुत रहता है. तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि आप सबकी मेन प्रॉब्लम क्या है नीट क्रैक करने में. मैंने आप लोगों को बोला था कि जून में 20 डेज हैं, जब मैंने 10 जून को एक वीडियो डाली थी जब रिज़ल्ट आया था नीट का, तो मैंने आप सबसे कहा था कि 20 डेज के अंदर आप ये फाइंड आउट करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. अगर आपने उन 20 डेज में भी फाइंड आउट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस चीज़ पर वर्क करो. इट्स रियली वर्क फॉर योर नीट प्रिपरेशन, क्योंकि जब आप नीट प्रिपरेशन को ना एक पूरा प्लान बना के करोगे तब बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है. तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, इतना बड़ा गोल है, ऐसे ही कोई MBBS डॉक्टर नहीं बन जाता. बहुत सारे सबके ही मैंने देखा है, जितने भी मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स होते हैं सबका सपना MBBS डॉक्टर बनना ही होता है एंड दे आर ट्राई देयर बेस्ट कि वो अच्छे से अच्छा करें, ठीक है. तो अच्छे से अच्छा करने के लिए एक प्लान तो होना बहुत ज़रूरी है. सो कल हम इस टॉपिक पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. आफ्टर दैट मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ, दैट कि बायोलॉजी में आपको दिक्कत कहाँ आती है. देखो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, विच वन इज माई फेवरेट, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे शुरू से बहुत ही पसंद था बायोलॉजी. और अभी तो मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे लेसन्स पढ़ाए हैं अनअकैडमी पर. मैंने यूट्यूब में ना जाने कितनी वीडियोस डाली हैं, अगर आपने नहीं भी देखी है ना तो आप देख लेना. अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो आप देखोगे मेरे चैनल पे इतनी सारी वीडियो है ना, अलग अलग तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है. बहुत सारे टॉपिक्स को मैं 2-3 बार भी पढ़ाया है. अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हो तो ये तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम है ना, कि आप जितने भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए एक बार उन्हें देखो तो कितने सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. जब भी आप मुझसे बोलते हो ना कि मैम इस टॉपिक बना दो, तो मोस्टली टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड करी हुई होती हूँ. तो मेरे इन सारे वीडियोस को आप देखो, ये देखो ये सारे कितने, मतलब हर एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है. और कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हैं, कुछ टॉपिक्स अगर आपको एक साथ पढ़ना है, एक साथ एक चैप्टर आप पढ़ना है, तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट लर्निंग ऐप, कि आप वहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो. आपने अगर नहीं पता है आपको कि मैं अनअकैडमी पर कैसे आपको मैं मिलूंगी, कैसे आप सर्च कर सकते हो, तो सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है एंड वहाँ पर सर्च बार में मेरा नाम जो है वो सर्च करना है, तरंगी गोस्वामी, ठीक है. तो आप सर्च करोगे तो आपके सामने मेरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी एंड वहाँ पर आप मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हो एक साथ में, ठीक है. उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि मैं नीट यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो हम पेपर देते हैं उसको बोलते हैं नीट यूजी. सो हम मैं उसके लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ आपकी, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर. सो नाउ मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस रिलेटेड टू नीट पीजी बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट पीजी के लिए वीडियोस चाहिए थी एंड जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस चैनल को 2 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे स्टाइल से. तो वो सब बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा आगे भी पढ़ाइए, क्योंकि नीट उनका क्लियर हो चुका है.
तो आगे में मैंने सोचा कि मैंने एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, फिजियो से रिलेटेड की हैं, एंड अब मैं पैथो से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, तो आप सब कंफ्यूज नहीं होना. अभी देखो ये सेल इंजरी वाला जो पार्ट है, यहाँ से मैंने सेल इंजरी अपलोड करनी शुरू की थी 1 वीक अगो. तो ये सारे सेल इंजरी के मैंने पार्ट्स आप सबके साथ जो है डिस्कस किए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में उसके बाद आप सबको भी इन सारे टॉपिक्स जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे बहुत बेसिक्स मैं पढ़ा रही हूँ अभी. ठीक है, जो लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं जो कि नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसमें भी है, जो भी उनको मतलब रिलेटेड चैप्टर्स मिल जाते हैं वो यहाँ से पढ़ लेते हैं. ठीक है, और मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है. ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, कैसे पढ़ें, क्या करें. सो वो सब हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी हैं, वो सब. उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अदर बुक्स जो होती हैं उनसे कब पढ़ना स्टार्ट करें, या कौन सी बुक बेस्ट है. तो एक सिंपल सी चीज़ है कि पहले आपके पास जो एनसीईआरटी है वो कवर करो. एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है. और एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है कि रोज़ के रोज़, या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो संडे को एटलीस्ट एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो. ठीक है, उसके बाद तो हम कुछ और अदर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक अनअकैडमी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो. उसके बाद मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि कौन से कोर्स आप कर सकते हो अगर आपका नहीं सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग वगैरह सबने अपनी जितनी करवानी थी करवा ली होगी सबकी, जो भी आपको सोचना था जून में आपने सोच लिया होगा. एंड जुलाई इज़ द टाइमिंग कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए एक प्लान बना लो और जुलाई से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो. मैंने कहा था कि मैं आपको ये 20 दिन दे रही हूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लान बनाओ अपना. और कल हम एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस एरिया में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है. आपको कोई डाइट प्रॉब्लम है कि मैं क्या खाऊँ, कैसे खाऊँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो मैं वो सब चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ. ठीक है, तो इसीलिए मैंने लाइव डिस्कशन रखा है. उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द चैनल, की चैनल पे क्या क्या वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या मैंने सोचा है. और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है रिलेटेड टू बायोलॉजी. ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आपसे बात करनी है, एंड वो बात मैं कहीं करूँगी लाइव सेशन में कि बायोलॉजी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बायोलॉजी में मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, क्या है. ठीक है, मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है, सो वो हम डिस्कस करेंगे कल के लाइव सेशन में. सो आप सबको आना है, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के साथ भी वीडियो शेयर करना. मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ लाइव सेशन में और उनके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर करें. एंड आपको टाइमिंग बता दूँ, वैसे मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूँगी कि क्या टाइमिंग लाइव सेशन की. सो कल हम दोपहर में 4 बजे, ठीक है, 4 PM लाइव आऊँगी मैं, एंड हम वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आप सब ज़रूर आना. अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, जिसकी भी जितनी नॉलेज होगी वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अभी अगर आपको ये काम नहीं आ रहा तो हो सकता है फ्यूचर में काम आए. और वैसे अभी भी काम आएगा क्योंकि मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है. लाइक आप खुद देख सकते हो BSc नर्सिंग, निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, BDS, ECG ट्रिक्स, BAMS, इन सब की मैंने थोड़ी बहुत आपको दी हुई है नॉलेज. ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सारी वीडियोज़ को देखते रहो, बहुत वीडियो बनाई हुई है मैंने. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.